उस साने से तो 100 गुना अच्छी दिखती हूँ मैं। नेचुरल ब्यूटी तो हूँ ना, वो तो पता नहीं क्या क्या लगा के आती है फेस पर, तब जाके थोड़ा अच्छी दिखती है। फालतू का एटीट्यूड झाड़ती रहेगी लड़कों के सामने। धोने के बहुत कपड़े हो गए आज। 1 घंटा हो गया है तुझे सजते संवरते हुए। ट्यूशन जा रही है, फैशन शो में जा रही है? क्या फैशन कर रही हूँ मम्मी, लिप ग्लोज ही तो लगा रही हूँ, लिप ड्राई हो जाते हैं ना बेटा। इन सब के बिना काम चल जाएगा, पढ़ाई के बिना नहीं चलेगा। और ये जुल्फे बांध, चोटी बना इनकी, मुझे गर्मी लग रही है तुझे देख देख के। वाह, बाल मेरे खुले हैं, गर्मी मम्मी को लग रही है। आंटी दीप रेडी हो गई क्या? हाँ बेटा हो ही गई होगी, रुक बुलाती हूँ। दीप, सना बाहर खड़ी है। मम्मी जा रही हूँ मैं। और छोटे कपड़े नहीं मिले तुझे? मम्मी मैंने यही तो पहना हुआ था ना घर में। घर की अलग बात है, बाहर की अलग बात है। क्या प्रॉब्लम है मम्मी? अब देखने वालों की नजरें गंदी हैं तो हम क्या करें? वो लड़की भी तो पहन कर आई है फुल कपड़े। कपड़े ऐसे पहनने चाहिए कि 4 लोग देख के मुंह न जोड़े। ये 4 लोगों की तो ऐसी की तैसी, जिस दिन मिल गए ना चप्पल से मारूंगी, नहीं अपनी पॉइंटेड वाली हील से मारूंगी। चल जा जीन्स पहन कर आ। अरे यार वैसे ही लेट हो रहा है ट्यूशन के लिए। हाँ गई, इतना टाइम लगता है यार जीन्स पहनने में, तुझे इतना टाइम लग गया? नहीं मम्मी के लेक्चर सुनने में इतना टाइम लग गया। क्यों? कुछ नहीं, तू चल। अच्छा तो इसलिए मैडम जी इतना रेडी शेडी होकर आ रही है आजकल? हाँ? क्या है तुझे मतलब? कुछ भी कुछ भी। दीप तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन होगा क्या? हाँ है ना, ये लो। इतने प्यार से तो तूने आज तक मुझसे भी बात नहीं की और ना ही मुझे कभी पेन दिया। और सबसे बड़ी बात, पूरे ट्यूशन में क्या तू अकेली थी जिसके पास एक्स्ट्रा पेन था? हाँ किसी और से भी तो ले सकता था ना वो, फिर सिर्फ तुझसे ही क्यों उसने पेन लिया? क्योंकि मैं उसके पास ही बैठी थी। अबे चल बुद्ध हो ना, किसी और को बनाइयो, समझी? और अब तो परफ्यूम शर्फ्यूम भी लगाने लगी है मैडम। अपना ज्यादा हो रहा है तेरा। हाँ हाँ तो एक्सेप्ट कर लेना कि वो तेरे पीछे पागल है और तू भी तो अब उसे थोड़ी बहुत लाइन देने लगी है। हाँ हाँ अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मुझे नहीं लगता हमारा फ्यूचर में कुछ हो पाएगा। क्यों, तेरे पेरेंट्स लव मैरिज के अगेंस्ट है क्या? वैसे मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता क्योंकि मम्मी को तो लव स्टोरीज पसंद है। सच में? हाँ क्योंकि वो सीरियल्स देखती है ना, तो उनकी लव स्टोरीज तो मम्मी को पसंद आती है। डफर रील और रियल लाइफ में ना बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पर कुछ भी हो मैं तो लव मैरिज ही करूँगी। अब अरेंज मैरिजेस कौन करता है, फैशन आउट हो गई है, और मेरी लव स्टोरी तो डिफरेंट ही होगी। लगता है डिफरेंट ही होगी। आज तो प्रपोज करके ही जाएगा, देख लियो। चुप जा तू। दादा दूर मत मारना। ओए तू पलक के बर्थडे में क्यों नहीं आई थी? हाँ तुझे पता है मुझे तो लगा था कि वो तुझे बुलाना ही भूल गई है, लेकिन फिर उसने मुझसे खुद ही पूछ लिया कि दीप क्यों नहीं आई। क्या फायदा था यार जाने का, नेक्स्ट मंथ मेरा भी तो बर्थडे है ना। अरे तो क्या हुआ, तुझे जाना चाहिए था। तुझे पता है उसने कितनी बढ़िया ट्रीट दी थी यार, और उसकी ड्रेस वो तो बहुत ही प्रिटी लग रही थी। ऊपर से उसके पेरेंट्स ना बहुत ओपन माइंडेड है यार, मतलब बहुत ज्यादा उसे सब चीज के लिए अलाउ करते हैं। तभी तो नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे भी तो है, मुझे भी ट्रीट देनी पड़ती। और
मेरी मम्मी मुझे इतने पैसे देने वाली ही नहीं थी, तो मैं बर्थडे में ही नहीं गई। और मेरी मम्मी तो हद ही कर देती हैं, कहती हैं घर पे ही बुला ले सारे फ्रेंड्स को, फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट कर लेना एक बार में। इसलिए मुझे फालतू में अपनी बेइज्जती करानी ही नहीं थी। बाय द वे, तेरा बर्थडे आ रहा है ना नेक्स्ट मंथ, मुझे क्या ट्रीट देने वाली है तू? इतनी देर से लेक्चर दे रही हूँ, समझ नहीं आया तुझे? अबे पैसे नहीं होते मेरे पास, ऊपर से जो रिश्तेदार देके जाते हैं वो भी ले लेती हैं मम्मी, ये बोल के कि हमें भी तो देने उनके बच्चों को। अरे जब बच्चों से छीनने ही होते हैं तो दे के फॉर्मेलिटी क्यों करते हो? 2 मिनट की खुशी दे के वापस गम दे देते हैं। हाथ में पैसे आते ही हम सपने देखने लगते हैं कि इन पैसों से अब हम न्यू ज्वेलरीज लेंगे, एक्सेसरीज लेंगे, ड्रेसेस लेंगे, लेकिन बाद में सपना चूर। कुछ तो सोचना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए, हमारे पेरेंट्स तो पॉकेट मनी भी नहीं देते, और जॉब लगने के लिए अभी बहुत टाइम है, पहले स्कूलिंग फिर कॉलेज तब जाके कहीं जॉब लगेगी, और तब तक हम अपनी लाइफ घुट घुट के तो नहीं जी सकते। कुछ तो करना पड़ेगा। ट्यूशन पढ़ाने का आइडिया कैसा है? पर कोई हमसे भी ट्यूशन क्यों लगवाएगा, हम तो खुद पढ़ रहे हैं यार। पिद्दी पिद्दी से बच्चों को पढ़ाएंगे ना ऑल सब्जेक्ट। कितनी तेज चाटा मारा मम्मी ने, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा करती है मम्मी, और पापा भी उन्हीं दोनों को ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे तो सिर्फ डांटते रहते हैं और हमेशा दूसरों के सामने इंसल्ट करते रहते हैं, मैं ये नहीं करती मैं वो नहीं करती। मैं तो हमेशा उन दोनों को चिढ़ाती रहती हूँ कि तुम दोनों को अडॉप्ट किया है, मुझे तो लगता है मुझे ही अडॉप्ट किया है, तभी तो मुझसे ज़्यादा कपड़े और चीज़ें उन दोनों के पास हैं, और कोई भी आंटी उन दोनों के नाम से मम्मी को बुलाती है, दीप की मम्मी तो कोई बुलाता ही नहीं, और वो दोनों चाहे कुछ भी करें, पूरे दिन खेलें कूदें टीवी देखें पूरे दिन इंजॉय करें, कोई कुछ नहीं कहता उन्हें, मैं थोड़ी देर इंजॉय क्या कर लूं, मेरे पीछे पड़ जाते हैं सब। भगवान जी आपको मेरे साथ ही करना था क्या ये सब? कम से कम मैं अपने रियल मम्मी पापा के पास होती तो वो मुझे प्यार तो करते, इतनी बुरी तरह नहीं डांटते। बहुत परेशान करते हैं सब मुझे, एक दिन ना मैं घर छोड़ के ही चली जाऊंगी, फिर अपनी लाइफ में ना बहुत बड़ा करूंगी। आज के बाद ना मैं मम्मी के हाथ का बना खाना भी नहीं खाऊंगी, और पापा की कुछ चीज़ लाई हुई भी नहीं खाऊंगी। अब ना मैं इसी रूम में बंद रहूंगी, किसी से कोई बात नहीं करूंगी, और खूब दिल लगा के पढ़ाई करूंगी, खूब पैसे कमाऊंगी, फिर आएंगे ये लोग मेरे पास। देखा, खाना भी बन गया होगा, सब खा रहे होंगे मज़े में, मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है कि मैं खाऊं या ना खाऊं। चलो सब खाना खा लो। देखा, सबको बुला रही है, मेरा ही नाम नहीं लिया। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की, भूख भी लग रही है, पर नहीं, जब तक मम्मी खुद नहीं बुलाने आएंगी ना तब तक नहीं जाऊंगी। चल खाना खा ले। भूख तो बहुत तेज लगी है, पर एक बार कहने पे ही थोड़ी ना जाऊंगी। चल अब नखरे बाद में दिखा लेना, आपसे कौन कह रहा है कि मेरे नखरे देखने आओ, जाओ आप खाओ अपना खाना, एंजॉय करो। क्यों करते हो ऐसी हरकतें कि मजबूर होके मुझे बजाना पड़ जाए? नहीं खाना मुझे, जाओ आप। इतनी जोर से चांटा मारा था,
मेरा पूरा गाल रेड हो गया था। मेरी भी थोड़ी सी गलती है, इतनी बेरहमी से नहीं मारना चाहिए था मुझे, थोड़ा तेज लग गया थप्पड़। तेरे फेवरेट छोले चावल बनाए, आजा जल्दी। अब चले भी जा, भूख तो लग रही है ना, दोबारा नहीं पूछा तो मम्मी ने। अब नहीं मारूंगी, आजा खान पे वेट कर रहे हैं तेरे पापा भी। इसके पापा को पता है ना मुझे आम कितने पसंद है, पूरा फ्रिज आमों से भर दिया लाकर। देखिए भाई, ये तो मानना पड़ेगा, भाई साहब बहुत ही खुश मिजाज आती है, खुद तो खुश रहते ही हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं। लो खाओ। हाँ, और फिर कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनसे दूसरों की खुशियां बर्दाश्त ही नहीं होती, बस दूसरों की जिंदगी में जहर घोलने का काम करते हैं। किसकी बात कर रही हो, सना की मम्मी? अरे पूछो मत, दीप की मम्मी, वो नई औरत नहीं आई है मिश्राइन पड़ोस में, बहुत ही बुरी औरत है वो सच में। क्या हो गया, जो दूसरी मंजिल पे जो आई है? अरे हाँ वही, अभी कुछ दिन पहले बैठी थी मैं उसके पास, सारा का सारा मूड खराब कर दिया उसने मेरा सच में। और देखती हूँ मैं उसे रोजाना, सुबह सुबह बैठ जाती है अपनी बालकनी में ये देखने के लिए कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके बच्चे कहाँ घूम रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं। सारी सोसाइटी का माहौल खराब कर रखा है उसने, पूछो मत आप। बस एक ही काम है उसका, इधर की बात उधर लगाती है और उधर की बात इधर लगाती है। और हाँ, गुस्सा तो मुझे तब आ गई जब उसने दीप के बारे में बोला कि कैसी माँ है, अपनी बेटी को रोक टोक नहीं लगाती, पता नहीं कैसे छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमती रहती है। मुझे तो इतनी गुस्सा आई कि पूछो मत, मैं 2 मिनट नहीं रुकी, बस उठ के आ गई वहां से। कोई बात नहीं सना की मम्मी, करने दो, ऐसी औरतों को काम ही क्या होता है, बस दूसरों के बच्चों को आते जाते हुए ताड़ो और उनकी चुगलियां करो। अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे चाहे वो कुछ भी करें, चौराहे पे खड़े हों या फिर बाइकों पे आवारागर्दी करें, उन पे ध्यान नहीं जाएगा कि खुद के बच्चों को सुधार ले, बस दूसरों के बच्चों को टारगेट करना है और उन्हें बदनाम करना है। मेरे सामने बोल के दिखाए, उसकी जुबान ना खींच लूं, भाई जैसे भी हैं लाख गुना अच्छे हैं मेरे बच्चे, इसके बदनाम करने से थोड़ी ना हो जाएंगे, वो तो पता ही चल जाता है किसके बच्चे कितने पानी में हैं। और क्या, वो तो है ही, जानती नहीं हूँ क्या मैं आपके बच्चों को, इतने प्यारे प्यारे हैं, जहाँ देखते हैं ना वही नमस्ते करते हैं मुझको वो। और वैसे भी ऐसी औरतों का ना कोई भरोसा नहीं होता दीप की मम्मी, मेरे सामने आपके बच्चों की बुराई कर रही है, कल को किसी और के सामने मेरे बच्चों की बुराई करेगी। और हमने बांध के नहीं रखा हुआ अपने बच्चों को कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, ये मत खाओ ये मत पहनो, भाई हमने पूरी आज़ादी दे रखी है अपने बच्चों को, और तू होती कौन है हमारे बच्चों के लिए बोलने वाली? भाई बोलेंगे तो हम बोलेंगे, हमारे बच्चे हैं, किसी दिन मेरा सामना हो गया ना इससे, अच्छे से सुधार दूंगी, बनी फिर रही है मिस रायन। चलो छोड़ो ना दीप की मम्मी, हम क्यों इन जैसों के लिए अपना मूड खराब करें। बस यही चाहिए। आम तो बड़े मीठे हैं, हमारे इनसे मंगवाए थे सारे के सारे आम खट्टे निकले, भाई साहब तो बड़े अच्छे मीठे आम लाए हैं। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। मैं भी ना एक दिन ऐसे ही टीवी में आऊंगी। आहा, आजकल के बच्चों में ना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, छोटे छोटे से बच्चे क्या गजब की सिंगिंग कर रहे हैं, कितना प्राउड फील करते होंगे इनके पेरेंट्स। मम्मी भी मुझे टीवी में देख के यही वर्ड्स बोलेंगी और प्राउड फील करेंगी। बेटा सीखो तुम भी कुछ। मम्मी मुझे ना डांस करना बहुत अच्छा लगता है, मेरी ना डांस क्लासेस लगवा दो। मम्मी थोड़ा तो मुझे आता है, आपने देखा था ना मैंने मिंदर भैया की शादी में डांस किया था, तो सब लोग बोल रहे थे कि मैंने बहुत अच्छा डांस किया है, बस मुझे थोड़ा सा और सीखना है। पढ़ाई तो तुमसे हो नहीं रही है ढंग से, डांस क्लास और लगवा दूं तुम्हारी, ताकि बची कुची पढ़ाई पे भी पानी फिर जाए। बेटा पहले पढ़ाई ठीक से कर लो, डांस सीखने के लिए बहुत टाइम पड़ा है। हैं, और जो आप अभी
टीवी पे देख के तारीफ कर रही थी उन लोगों की, वो उन बच्चों के पेरेंट्स ना उनको बचपन से सिखाते हैं सब कुछ, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, तभी तो वो आज टीवी पे परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ हम तो करते ही नहीं है तुम्हें सपोर्ट, ना आज तक कभी किया है कुछ तुम्हारे लिए, जितना करो सब बेकार है तुम्हारे लिए, क्रेडिट तो तुमने फिर भी नहीं देना है हमें। अभी बोल रही थी सीखो तुम भी कुछ, और जब मैंने डांस क्लास के लिए बोला तो पहले पढ़ाई करो, अरे पढ़ाई तो कर ही रहे हैं ना, टैलेंट नाम की भी कोई चीज होती है ना। मम्मी मैं ना सना के घर जा रही हूँ, वो असाइनमेंट करना है ना हमें, तो साथ में कर लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। सना कौन, ये गांधीनगर वाली? नहीं मम्मी वो दूसरी सना है, कवि नगर वाली। कवि नगर, इतनी दूर जाएगी तू? सना को ही बुला लेना है, हाँ उसे भी तो करना है असाइनमेंट। मम्मी वहां करूँ या यहाँ करूँ, एक ही तो बात है ना, और उसके घर में ना कोई नहीं होता, शांति होती है। मैं भी तो यही कह रही हूँ, एक ही बात है, और हमारे घर पे कौन से बैंड बाजे बज रहे हैं। चल कोई नहीं बोलेगा, मैं समझा दूंगी, यहीं पे बुला ले उसे, आराम से बैठ के कर लेना दोनों। मम्मी सेम चीज उसके पेरेंट्स भी तो बोल सकते हैं ना। ठीक है यही बुला लेती हूँ, लेकिन मुझे ना घर में कोई शोर शराबा नहीं चाहिए, नहीं तो फिर मेरा गुस्सा देखना तुम। लाओ फोन दो अपना, वही रखा है टेबल पे। अच्छा सना मैं क्या कह रही थी कि तू ना मेरे घर पे आ जा, यहाँ पर भी कोई नहीं है, आराम से कर लेंगे। हेलो आंटी जी। हेलो बेटा, और सब ठीक है घर में? जी आंटी जी सब ठीक है। आ गई तू, मैं पानी लाती हूँ तेरे लिए। तो बेटा कहाँ से हो आप? आंटी जी यहीं से हूँ। आपका होम टाउन यहीं का है, मतलब दादी दादा? हाँ जी आंटी जी। चलो बढ़िया। और मम्मी क्या करती हैं बेटा? मम्मी क्या क्वेश्चंस करने लगी हो आप भी, क्या गलत पूछ रही हूँ, फैमिली के बारे में ही तो पूछ रही हूँ। आंटी जी मम्मी हाउसवाइफ है। हाँ हाँ इतनी सारी पूछताछ जो करनी थी इसीलिए तो नहीं भेजा मुझे उसके घर। तो बेटा मम्मी कुछ कमेटी वगैरह डालती हैं? अब आंटी जी मुझे इतना तो नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो हैं, बाकी मम्मी को बताना आंटी कमेटी डालती हैं, अगर डालना चाहें तो मेरे पास डाल देंगी। ओके आंटी जी। मम्मी अब जाएं हम अपने स्टडी करने रूम में, उसके बाद ट्यूशन भी जाना है हमें। हाँ हाँ जाओ, मैं कौन सा रोक रही हूँ। ना रूम में तो उल्टी सीधी बातों पर ही ध्यान जाएगा इनका, यहीं बैठाती हूँ अपने सामने। रूम में जाने की क्या जरूरत है बेटा, यहीं आराम से बैठ के पढ़ो। मम्मी यहाँ कैसे? हाँ और क्या, एसी फैन सब कुछ तो है यहाँ पे। ये मेरी मम्मी इतनी चंट क्यों बनती है? मम्मी ठीक है जाओ। चल रिटर्न तो कंप्लीट हो गया, अब बस शाम को जाके फोटोज निकलवा लूंगी चिपकाने के लिए। अरे तो फोटोज तो मुझे भी चाहिए ना, एक काम करेंगे शाम को साथ में चल के निकलवा लेंगे कैफे से फोटोज। लेकिन अभी ब्रेक टाइम। मम्मी कुछ ठंडा सा और टेस्टी सा बना दो ना, और स्नैक्स भी ले आना। अच्छा तुझे एक चीज दिखाऊं? दिखा। अरे तो ऐसी भी तो दिखा सकती है ना, इसमें डोर लॉक करने की क्या जरूरत है? ऐसी ही तो नहीं दिखा सकती ना, गेस कर। न्यू टॉप। हम्म। न्यू शूज। तू ना डमी रहेगी, चल दिखा देती हूँ। टैटेन तेरा ये?
मैं तो स्पोर्ट्स पहनती हूँ ना पागल, तुझे याद है मैंने तुझे एक बार बताया था कि मेरी ना एक भाभी है बहुत स्टाइलिश है और वो कनाडा रहती है। वो आई थी ना हमारे घर पर और उन्होंने मुझे बोला था कि जब मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएगी ना तो मुझे अपने साथ कनाडा ले जाएंगी। इतनी कूल है ना वो। तो उनकी है ये? हाँ, वो गलती से यहीं पर भूल गई। अच्छा बेटा, ट्राई करके दिखाऊं कैसी लग रही है मेरे पे? और वैसे भी हम भी तो बड़े होके पहनेंगे ही ना। मैं तो हमेशा स्पोर्ट्स ही पहनूंगी, इसे पहनकर ना अजीब सा लगता है। ये गेट क्यों बंद किया है? वो मम्मी शोर आ रहा था ना बाहर से। गेट खोल के करो जो करना है, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। हेलो। ठीक है मम्मी। गई आंटी? बच गए। वैसे सही में यार तेरी मम्मी ना बहुत स्ट्रिक्ट है, पर मेरी मम्मी से ना कम है। बाय द वे तेरी वो भाभी कितनी कूल है यार, नेक्स्ट टाइम आएंगी ना तो मुझसे भी मिलवाइयो। अब तो एक साल बाद ही आएंगी वो। क्यों? पागल, वो प्रेग्नेंट है ना और बोल रही थी कि उनके डॉक्टर ने ना उन्हें ट्रेवल करने के लिए मना किया है। वैसे करती क्या है वो? मॉडलिंग की हुई है उन्होंने, प्रोफेशनल मॉडल थी वो। वाओ यार, एक काम करना फोटो दिखाओ उनकी। फोटोज उनकी फेसबुक पे पड़ी होगी, अपना फोन दिखा। ये देख। वाओ यार कितनी ब्यूटीफुल है ना, और इनका फिगर तो देख सच में कितना मस्त है। हाँ पर ये जब फिर से मिलने आएंगी ना हमें तो ये थोड़ी सी मोटी हो जाएंगी। क्यों? अभी बताया ना तुझे कि प्रेग्नेंट है वो, और प्रेग्नेंट के बाद थोड़ा सा मोटे हो जाते हैं ना, मैंने देखा ऐसा होता है। ओ वैसे तो भाभी ना अडॉप्ट करने के लिए बोल रही थी बेबी, लेकिन इनकी जो मदर इन लॉ है ना उनको खुद का ही बेबी चाहिए था। ये मदर इन लॉ भी कितनी खड़ूस होती है ना। बाय द वे यार भाभी तो प्रेग्नेंट होकर भी कितनी मस्त लग रही होगी ना, प्रिटी क्यूट। ओए एक काम करते हैं ना, एक बार मैं देखती हूँ कैसी लगूंगी प्रेग्नेंट होकर। हाँ तो रुक। ठुमका लगा के दिखा, ठुमका लगा के। बहुत फनी लग रही है तू। पढ़ाई हो गई तेरी या पूरे टाइम फोन में ही लगी रही? सुनाई पड़ रहा है कुछ? मम्मी कुछ बोल रही है? मम्मी कुत्तों की तरह भौंक रही है, मुंह से जवाब देने में भी जोर पड़ रहा है, इसे घुसी हुई है फोन में। हाँ मम्मी हो गई पढ़ाई। ज्यादा खीखी नहीं करने लगी तू आजकल? मम्मी मीम्स पढ़ रही हूँ। मीम्स पढ़ रही हूँ, ये लो देखो। और सुबह से पढ़ाई कर रही थी मैं, और फिर उसके बाद आपकी किचन में हेल्प करवाई, वो नहीं दिखा आपको। अब 2 मिनट मैंने फ़ोन के ले लिया हाथ में तो बस शुरू। मुझे क्या पता अभी उठाए या पढ़ाई के बहाने फ़ोन ही चला रही है, क्योंकि रूम की तो तू कुंडी लगा लेती है, हमें क्या ही पता चल रहा है क्या चल रहा है। क्या है मम्मी, ज़्यादा ना दिमाग ना चलाया करो, एक्स्ट्रा लगाना तो पड़ता ही है जब बच्चे हाथ से निकलने लगते हैं। क्या क्या बोला आपने? इस फोन को साइड रख दे, आग लगा दे इसमें और खाना खा ले, ठंडा हो रहा है। मेरा फोन सबसे बड़ा दुश्मन है मम्मी का। क्या
क्या है मम्मी, ये तोरी वोरी मत बनाया करो, मुझे ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तभी शक्ल ऐसी हो गई है तेरी, कोई ग्लो ही नहीं है फेस पे। हेल्दी खाना तुम्हें खाना नहीं होता, ऊपर से लहसुन और ये अदरक डाल देती हो। जो चीजें तुम्हें खानी चाहिए वो तुम्हें खानी नहीं होती है। नखरे दिखवा लो बस, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। मम्मी फोन दे दो। अच्छी खासी बड़ी हो गई है, तेरे नक्शे कदम पर ही ना ये छोटे चलेंगे। बेटा खाना खाते टाइम फोन नहीं चलाते, पहले खाना फिनिश कर, चल। हाँ मैं तो इनको कमांड देती हूँ ना, कम ऑन फॉलो मी। सबसे पहले तेरे रूम की कुंडी निकलवाती हूँ, तभी आएगी तू बाज। मम्मी प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है? इतने बड़े नहीं हो गए तुम कि तुम्हें प्राइवेसी चाहिए? कोई बिजनेस नहीं चल रहे तुम्हारे? हाँ हमारी प्राइवेसी तो मैटर ही नहीं करती, उड़ा दो धज्जिया, अब तो रूम लॉक करना भी क्राइम हो गया है। हाँ मिल गई तुझे फुर्सत कॉल करने की, हैं? और सब ठीक है घर में? मम्मी खाना खाते टाइम फोन यूज नहीं करते। मेरा मतलब बाद में बात कर लेना, पहले अच्छे से खाना खा लो। अच्छा चल मैं करती हूँ तुझसे बाद में बात, आराम से फ्री होके, ठीक है? इसी टाइम का इंतजार कर रही थी ना कि मम्मी को कब उल्टा जवाब दूँ। इन चीजों में तो आगे है तू, जुबान चलवा लो बस जितना मर्जी। हम करें तो गलत, खुद करें तो सही, जवाब दें तो बदतमीज, ना दें तो ढीट, वाह मम्मी। इतना आलस भरा हुआ है इस लड़की में, पहले तो रात को टाइम से सोना नहीं है, फिर सुबह को टाइम से उठना नहीं है। स्कूल बस आने को है लेकिन तैयार नहीं हुई, मैंने सुबह से उठ के 10 काम कर दिए और इनसे स्कूल के लिए रेडी नहीं हुआ जाता। हमारे टाइम पे सुबह 4 बजे उठ जाती थी, फिर माँ के साथ घर का सारा काम निपटाती थी, फिर भागते हुए पैदल स्कूल जाती थी, फिर भी टाइम पे पहुँचती थी। अरे यार मम्मी और इनका टाइम तो कभी खत्म ही नहीं होता, फिर शुरू हो गई हमारे टाइम पे। चल जल्दी से दूध फिनिश कर। मम्मी मुझे नहीं पीना दूध, स्कूल में चक्कर खा के गिरेगी, भूखे पेट जाएगी। तो मैं बस बटर ब्रेड खा लूंगी, दूध अच्छा नहीं लगता मुझे। तभी तो दिमाग नहीं लगता तुम्हारा पढ़ाई में, खाने पीने की चीजों पे तो तुम नाक मारते हो। चल पी चुपचाप नाक बंद करके। अरे यार सही जबरदस्ती है। शाबाश, टिफिन रख दिया तेरे बैग में? क्या रखा है लंच में? अब पराठा और अचार रखा है। अरे यार कभी कुछ अच्छा भी बना दिया करो, पराठा पराठा पराठा, रोज रोज पराठा। बस मुंह बनवा लो, पराठे से अच्छे से पेट भर जाता है, भूख नहीं लगती। फिर यहाँ 6 बजे उठ के लगी पड़ी हूँ तुम्हारे पीछे पीछे, हाथ पैर फूल जाते हैं। मैं क्या, चलो मेरी थोड़ी नींद ही तो खराब होगी पर बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। पर तुम्हें हजम थोड़ी ना होता है, और बच्चों की माएँ सोती रहती हैं 8-8 बजे तक और 2 मिनट में मैगी उबाल के दे देती हैं, वो अच्छा लगता है ना तुम्हें? हाँ तो मैगी अच्छी लगती है। चल बस आगे तेरी पानी की बॉटल रख ले, फिर भूल जाएगी, मुझे ही देने आना पड़ेगा। आपके तो लेक्चर ही नहीं खत्म होते।